ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को बताओ, क्या लास्ट वाले एपिसोड में हमने जो मिलिट्री वालों के लिए काम किया था, यानी कि टेररिस्ट को जिंदा पकड़ के उन्हें देना था, तो वो काम तो हमने कर दिया था और उसके बदले उन्होंने हमें $3 मिलियन दिए थे और कुछ कार्स दी थी आपको। मैंने कार्स लास्ट वाले एपिसोड में दिखाई थी और कुछ मोटरसाइकिल्स दी थी। फिलहाल जो दो मोटरसाइकिल थी वो तो रख ली थी ट्रेवर ने, एक जो गन वाली कार थी वो रख ली थी फ्रैंकलिन ने, बाकी एक जो दूसरी थी कार विंटेज कार वो मैंने रख ली थी, और बाकी जो $3 मिलियन थे वो भी हमने ने आपस में बांट लिए। लेकिन उसके बाद वो लोग लेस्टर को किडनैप कर ले गए थे, तो वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो लेस्टर को मैं छुड़ाने गया था वहीं वाले मिलिट्री बेस में, मतलब कि उन्होंने एक टाइप से ना साजिश चली थी लेस्टर को किडनैप करने के लिए। तो हमने लेस्टर को तो वहां से बचा लिया था, लेकिन मेरी जो लैम्बोर्गिनी सियान थी उन्होंने भैया अपना पैंजर की जो तोप होती, मतलब जो टैंक होते हैं ना, उसकी गोली मार के भाई मेरी पूरी की पूरी गाड़ी फोड़ दी। तो यार पुलिस वालों ने हमें $1 मिलियन दिए तो, लेकिन यार $2 मिलियन से भी ऊपर का नुकसान करा दिया, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने हमारी लैम्बोर्गिनी फोड़ दी जो कि खुद में ही $2 मिलियन की है, और दूसरी चीज यार उन्होंने मतलब कि जो लैम्बोर्गिनी पर मैंने मॉडिफिकेशन करवा रखी थी 5-5 लाख का, उसका इंजन चेंज करवाया था, तो यार वो तो सब गया, मतलब कि यार बहुत ज्यादा नुकसान हो गया एक लैम्बोर्गिनी जाते ही। और यहां पर ये है वो विंटेज कार जो कि मेरे को पुलिस वालों ने दी थी, जो कि मुझे नहीं लगता ज्यादा महंगी बिकने वाली है। अगर हम इसके अंदर गोल्ड वोल्ड में चेंज करवा दे तो शायद से महंगी बिक सकती है, बट यार गोल्ड भी तो होना चाहिए ना। अब यहां पर ये जो दो कार है ये है मेरे पास, और सबसे अच्छी चीज पता है कि आज ना एक बहुत ही बड़ा रेस का एक टूर्नामेंट है, तो यहां पर मैं इन दोनों में से कोई भी गाड़ी नहीं ले जा सकता, क्योंकि आप ये जो फरारी देख पा रहे हो ना, ये कार तो अच्छी है लेकिन यार इसकी स्पीड उतनी खास नहीं है यार, वहां पर पता नहीं कैसे कैसे बंदे आने वाले हैं। और ये जो अपनी लैम्बोर्गिनी टेस्ट जो है भाई, ये तो बहुत ज्यादा सुपर फास्ट है, ये तो हवाओं से बातें करती है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत की बात है, क्योंकि वो जो रेस है ना सिर्फ हाईवे पे नहीं है, अगर रेस हाईवे पे होती ना तो बहुत सही रहता, क्योंकि जो गाड़ी है ना पूरी जमीन से चिपकी हुई आपको दिख रहा होगा, तो ये एकदम फ्लैट रोडों पर चलती है, और जैसे ही थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाले रस्ते आते हैं ना, तो ये गाड़ी की भैया ऐसी की तैसी हो जाती है। तो यार अगर उस रेस में मेरे को जाना है और जीतना है तो भैया ये गाड़ियां तो नहीं ले जानी। तो लेस्टर से मैंने बात करी है, लेस्टर ने साफ बोला है कि तुम उसकी गाड़ी ले जाओ जो बंदा हर साल उस रेस में जीतता है। तो लेस्टर ने उसके बारे में मेरे को काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे दी, क्योंकि यार लेस्टर की वजह से हमारी एक टाइप से गाड़ी गई है। तो लेस्टर ने हमें बोला था कि उसके घर के बाहर ना तुम्हें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिलेगी, तो तुम्हें उस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है कर लेंगे हैंडल। अब यहां पर आप मेरी फरारी देख पा रहे हो, तो मैं अभी अपनी फरारी को लेकर जाने वाला हूं उस लोकेशन को देखने, मतलब यार मैं भी तो देख के आऊं ना कितनी सिक्योरिटी और कहां पर वो गाड़ी हमें मिलने वाली है, भाई ऐसा ना हो कि हम वहां पर पहुंचे और गाड़ी मिली नहीं रही, कहीं बंदे ने गाड़ी कहीं और ही खड़ी कर रखी हो। तो फटाफट अपनी फरारी को लेकर चलते हैं पहले उसके घर के पास, और मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं मैप में। तो ओके, जो उसका घर है ना इस तरफ में ही है, और भाई बहुत बड़ा घर है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे वाला आदमी है। तो ये वाला उसके घर की लोकेशन है, तो फटाफट चलते हैं पहले उसके घर के पास और देखते हैं क्या सीन है। ओके भाई, ये जो वैसे फरारी है ना इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा अच्छी है। ओ ओ ओ वेट वेट भैया वेट। ओके, तो यहाँ पर अपनी फरारी की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन वहां पर जो ओपोनेंट्स आने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता वो किस टाइप के होंगे, क्योंकि आपको पता होगा रेस में यार बंदे ना टक्कर बहुत मारते हैं, और ये गाड़ी ना उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, और इस गाड़ी में अगर टक्कर लगी तो इसके बेटा पुर्जे अलग हो जाएंगे और हम रेस से बाहर। तो मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा भी सीन हो कि हम रेस से ही बाहर हो जाए, बाकी कार छोटी है पतले पतले कट से आराम से निकल सकती है। ओके, तो गाइस अभी हम फिलहाल उस बंदे के एकदम घर के पास में तो आ चुके हैं, और जैसा कि लेस्टर ने कहा था उसके घर के बाहर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो सिक्योरिटी गार्ड तो फिलहाल घर के बाहर खड़े हैं। ओके, तो मतलब कि घर की वॉल्स पे भी इन्होंने लगा रखा है सिक्योरिटी गार्ड। ओके, तो यहाँ पर दो और है, और ये घर कितना बड़ा है भाई। हेलो भाई साहब, यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड है। पहली बात तो इतना बड़ा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओके, तो यहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड और हैं, और ये वाला डोर ओपन है। वाओ, ओके, तो यहाँ पर छतों पे हेलीकॉप्टर भी खड़े हुए हैं। भाई साहब बहुत अमीर ही बंदा है, मेरे को नहीं लग रहा था इतना अमीर बंदा होगा। तो भाई रेसर होने का इतना ज्यादा फायदा, मतलब कि जीतने पे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, और यहाँ पर कोई बंदा अंदर जा रहा है। ओके, तो शायद से इसी की फैमिली का मेंबर है, फिर ये वही बंदा है, लेकिन वो बंदा हो तो इतनी सस्ती कार में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड और खड़े हैं, मतलब कि आप देख पा रहे हो भाई, मतलब 3 से 4 गेट तो एंट्रेंस के ही दिख गए। तो यहाँ पर अभी आगे चलकर देखते हो भाई, इतना बड़ा घर तो मैंने सोचा भी नहीं था कि होगा। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड, ओ हर डोर पे दो सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन इस डोर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड है। तो यानी कि हम यहाँ से आराम से अपनी एंट्रेंस ले सकते हैं उस बंदे को मार के, बिना मारे तो हमारी एंट्रेंस नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। लेकिन हम इतनी महंगी गाड़ी लाएं तो शायद से हमारी मेन गेट से भी एंटर हो सकते हैं, मतलब। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, इस गाड़ी का जो मतलब कि ट्रांसमिशन है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा वैसा है, इसीलिए ना पहाड़ों वाले रस्ते पर नहीं चल पाती, लेकिन वो जो हम इसकी गाड़ी चुराने वाले हैं वो चल जाएगी, इसीलिए मैं इस गाड़ी को नहीं ले जा रहा रेस करने के लिए। यही कमी है इस फरारी में और लैम्बोर्गिनी टर्ज़ो में, बाकी जो अपनी शांति यार वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और यहाँ पर ना ये कॉलेज है, तो काफ़ी सारे बंदे घूम रहे, तो उस पुलिस वाले को
मारना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम उसे मारेंगे ना तो भैया हल्ला हो जाएगा और सारे के सारे बंदे इधर उधर भगदड़ मचा देंगे। तो अगर आपको याद होगा ट्रेवर ने एक ट्रक चुरा कर लाया था जिसके अंदर हम पीछे अपनी गाड़ी को लोड करवा सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उस ट्रक को लाकर खड़ा करेंगे और यहाँ से गाड़ी चुराएंगे और सीधा उस ट्रक के अंदर खड़ी कर देंगे और बंद कर देंगे डोर और किसी को पता नहीं चलने वाला। तो फटाफट चलते हैं पहले अपने घर की तरफ, क्योंकि वो जो ट्रक है ना मैंने अपने घर के पीछे ही खड़ा करा था और बाकी भाई सारे अरे भैया बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है गाड़ी तो और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यही चीज की मेरे को कमी लगती है बस इस कार में, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना भाई। तो फिलहाल अभी हमें अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट लेना और इस गाड़ी का जो साउंड है ना बहुत ही ज्यादा मस्त सा आता है, एकदम अलग ही पन्नी टाइप सा। ओके तो ये जो हमारा ट्रक है जो लास्ट टाइम ड्राइवर चुरा कर लाया था वो अभी मैंने अपने घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। ओके तो फटाफट से अपनी कार को ना यहाँ पर अंदर कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर से अपनी गाड़ी यहाँ से अंदर तो चले जाएगी ना, कहीं पता चले यहाँ भी दिक्कत आ जाए नीचे से ठुक जाए तो मुझे लेकिन गाड़ी पार्क कहाँ करनी है, गैराज तो फिलहाल खाली पड़ा है। ओके तो अपनी गाड़ी में फिलहाल के लिए यहीं पर लगा देता हूँ। तो अभी मैं उस ट्रक को लेकर चलूंगा और उस बंदे के ना घर के बाहर खड़ा कर दूंगा और उसका जो पीछे वाला ट्रंक है ना वो खोल दूंगा और उसके घर से ना जैसे तैसे उसकी जो सुपर कार है मतलब उसकी जो रेसिंग कार है उसको चुरा कर लाऊंगा और इस ट्रक के अंदर डाल दूंगा सीधा। तो फटाफट अभी ट्रक में बैठते और लेकर चलते हैं। और भाई ये जो ट्रक है यार बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि ये देखो भाई पूरा का पूरा रोड घेर लेता है, आधा रोड नहीं पूरा का पूरा रोड घेर लेता है। तो फटाफट अभी इस ट्रक को लेकर चलते हैं उस बंदे के घर पे। बाकी तो भैया इसका जो हॉर्न है ना भाई वो भी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि सामने वाला बंदा ही डर जाए और इतना ज़्यादा स्पेस तो मुझे नहीं लेता कि इस गेम में और कोई भी गाड़ी लेती होगी और शिट 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 सारे खंभे तोड़ देता हूँ भैया इस गाड़ी को चलाते हुए मैं। और उस बंदे का जो घर है ना मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास है और ये बिल्डिंग मैंने मतलब कि ज़्यादा नोटिस नहीं करी, फिलहाल देखता तो हमेशा हूँ कभी आया नहीं इस बिल्डिंग के अंदर। ओके तो फटाफट इस ट्रक को मैं भी यहाँ पर अपने खड़ा कर देते हैं। ओके तो मुझे कहाँ पर लगाना चाहिए वाला ट्रक, ओए ये देखो भाई वो जो गाड़ी है ना वहीं पर खड़ी हुई है। भाई इस ट्रक में बैठने का तो फायदा गया, हमें काफ़ी तगड़ा व्यू मिल रहा है। ओके तो सामने भीड़ भी लगी और उसकी जो गाड़ी है वहीं पर खड़ी हुई, मेरे को लग रहा है वही वाली गाड़ी है। लेकिन हम वहाँ पर एंटर कैसे होंगे, इस ट्रक को मुझे कहाँ पर खड़ा करना चाहिए वो मुझे देखना पड़ेगा, जहाँ से मैं इसे ईजिली निकाल लूँ मतलब कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी ये जो एरिया है ना यार बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का, सस्ते लोग नहीं रहते भाई यहाँ पर, सभी के घर बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। और आज भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ सबकी हेडलाइट तोड़ दूंगा, मतलब कि जितने भी गाड़ियों के हेडलाइट मेरे आगे आ रही है सारी की सारी हेडलाइट टूटने वाली है। तो यहाँ पर बाहर में पार्किंग में भी काफ़ी सारी कार्स खड़ी हुई हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अपना ट्रक कहाँ पार्क करना चाहिए, कोई भी खाली एरिया नज़र नहीं आ रहा। ओके तो ये जगह काफ़ी सही मेरे को लग रही है, ये जगह खाली भी है। ओके तो अपना जो ट्रक है हम यहीं पर पार्क कर देते हैं और इसका जो मेन ट्रंक है ना वो मैं खोल दूंगा। ओके तो कि गाइस अभी मैंने यहाँ पर अपना ट्रक तो खड़ा कर दिया और इसका जो पीछे वाला ट्रंक है वो भी मैंने खोल दिया। फटाफट से चलते हैं देखते हैं यार हमारी एंट्रेंस कहाँ से हो पाएगी उस वाली बिल्डिंग में। और यहाँ पर ना सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये कि मैंने ना ही अपने कपड़े बदले हैं ना ही अपना लुक बदला है, तो फटाफट ना मुझे इस बंदे को मारना पड़ेगा। और ये पता नहीं किन लोग का कॉलेज है तो मैं सोच रहा हूँ यार बंदों का ना ध्यान ना जाए और मैं सामने वाले बंदे को मार भी दूँ। तो फटाफट से ना अपनी गन को निकालते हैं जिसके अंदर सप्रेसर लगा होना चाहिए। ओके तो इस वाली गन के अंदर मेरे सप्रेसर तो लगा है, फटाफट से ना इसकी खोपड़ी फोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके ये इसकी खोपड़ी निकल यहाँ से, चलो भाई बंदों को पता चला, भगदड़ तो मची है थोड़ी सी, मतलब कि मेरे साथ में एक लेडीज खड़ी हुई थी उससे पता चल गया और किसी को भी नहीं पता चला है। तो फटाफट यहाँ से अंदर एंटर हो जाते हैं। बाकी यार इन्होंने ना बहुत ही बड़ी गधैयापंती करी है, मतलब कि इस वाले डोर पे तो किसी को लगाया नहीं। ओके तो सामने एक बंदा और है भाई साहब, इसको भी मारना पड़ेगा, एक गार्डनर है किसी ना किसी को तो बता ही देगा, तो तू भी निकल बेटा। ओके तो यहाँ पर मुझे नहीं पता आज हम कितने बंदों को मारना पड़ सकता है उस गाड़ी को लेने के लिए। ओ भाई इस बंदे पे ना काफी सारा पैसा, कोई भी सस्ता बंदा नहीं। ओ भाई शिट 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 सामने की तरफ में तो काफी सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो यार मुझे नहीं लग रहा था कि इसके घर में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो सकती है, मतलब कि यार जो यहाँ का रिचेस्ट पर्सन था ना उसके घर से भी हमने जब गाड़ी चुराई थी तो इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। फिलहाल यहाँ पर तो यार बहुत ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हैं, सामने की तरफ में भी तीन खड़े हैं जो कि दो डोर पे हैं और एक वैसे गार्डन में खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक इस वाले घर के अंदर भी खड़ा हुआ। अगर मैं इसको मार दूँ तो किसी को पता चलेगा, ट्राई करते हैं इसको ही मार देता हूँ। फिलहाल मेरी गन के अंदर सप्रेसर लगा हुआ तो मुझे नहीं लगता किसी को पता चलने वाला है। ओके तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा शांति से मार दिया और ये लड़की भगदड़ मचा रही है। रुक जा, रुक साले, रुक तू भी, रुक चुप 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 एकदम चुप। और यहाँ पर हम काफ़ी आराम से पुलिस वालों को मारते चले और पुलिस वालों को किसी को भी पता नहीं चल रहा। ओ मेरे को लग रहा है किसी को शक हुआ। ओके तो ये एक पुलिस वाला, ओ इसने देख लिया मेरे को, ओ शिट, रुक साले रुक, किसी को बताना मत, बस ये लोग बस किसी ने कॉल ना कर दे। निकल निकल, अपनी गन में सप्रेसर लगा तो मुझे नहीं लगता कि मामला ज़्यादा बिगड़ेगा। निकल यहाँ से तू भी, निकल 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 निकल। ओके बाय बाय शिट। ओके तो यहाँ पर फिलहाल इसको मैंने मार दिया, एक ऑफिसर ऊपर है। ऑफिसर जी मैं कुछ नहीं करने आया हूँ, आप अपने काम से काम रखो, चलो साइड हो जाओ। ओके तो यहाँ पर मैंने इसको भी मार दिया और इधर के एरिया को मैंने पूरा का पूरा खाली कर दिया और एक ऑफिसर ऊपर है। रुको ऑफिसर जी, कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान आप सबका, निकलो 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 निकलो। ओके तो इन लोगों ने भी सप्रेसर लगा रखा और एकदम शांति से फाइट हो रही है इसलिए बाकी ऑफिसर को पता भी नहीं चल रहा। तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, वरना अगर सबको पता चल जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल एक हेलीकॉप्टर, ओ भाई साहब इतनी सारी कार और इसको कहीं शक हो रहा है, कहाँ जा रहा है पीछे
देख पीछे पीछे पीछे। अच्छा अच्छा उठेगा उठेगा, मेरे को मारने के लिए उठ मत जाइयो बेटा, पहली बता रहा हूँ। ओके तो यार यहाँ पर तो बहुत ही तगड़ी तगड़ी कार है, लेकिन उसकी जो सुपर कार है ना वो मेन गेट पे ही खड़ी है, तो मैं देखना कि मैं वहां तक कैसे पहुंचना पड़ेगा। और सामने भी कुछ लेडीज, सबको मारूंगा भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई। अभी अपने को रेस जीतने, क्योंकि रेस का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा कौन मारा कौन मारा कौन मारा, ओ शिट भाई, ओके निकलो यहाँ से निकलो, चलो यहाँ, ओ शिट रुक जा रुक जा निकल। ओके तो ये बंदा हमें मारेगा, निकल यहाँ से। तो यार अब मेरे को लग रहा है ना बहुत सारे पुलिस वालों को पता चल गया, और मुझे अपनी अब गन निकालनी पड़ेगी भाई, गड़बड़ हो गई यार। मेरे को मैं सोच रहा था एकदम शांति से एंट्री करूंगा, लेकिन यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई और पुलिस अलर्ट हो गई है, और यार भगदड़ मच गई जो कि मैं नहीं चाहता था। अरे सर ऑफिसर जी, मेरे को बस गाड़ी ले जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला, मेरे को बस गाड़ी ले जाने दो, फटाफट से आऊंगा अपनी गाड़ी लेकर चले जाऊंगा। और भाई गाड़ी तो इन्होंने एकदम खुली छोड़ दी, वाह चल 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 निकल। जो भाई रेसर था वो खुद यहाँ से भाग चुका है, वाह अभी तक तो गाड़ी के बाहर ही खड़ा हुआ था, लेकिन यार अब वो भी भाग गया। ओके इतनी तगड़ी सिक्योरिटी कहाँ से ला रहे हो, तो मैं भी तो देखूँ ना। ओके यार काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं, निकल निकल निकल, एक सेकंड रुक जाओ भाई। तो यार अभी यार बहुत सारी पुलिस आ गई, और मेरे पास ना यार भागने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस एरिया में ना पूरे के पूरे मैं स्मोक कर देता हूँ ताकि पुलिस वालों को मैं दिखूँ ना, और इस एरिया के अंदर मैं पूरे के पूरे बॉम्ब प्लांट कर दूंगा। बस ना एक बार मेरे को यहाँ से गाड़ी लेकर निकलना है, और बाकी सारा मामला जो है ठंडा हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर पुलिस आ गई, काम करता हूँ हर गेट पर आग लगा दूँ। ओ शिट, वैसे मैं तो पानी में, मुझे डरने की बात नहीं है, तो यहाँ पर मैं हर गेट पर आग लगा दूंगा, पूरे में स्मोक कर दिया मैंने। और यहाँ पर और मेरे पास क्या क्या लॉन्चर्स पड़े, ओके तो कुछ ग्रेनेड्स हैं जो कि मैं बाहर की तरफ फेंक के पुलिस वालों को मार सकता हूँ, चलो सही। ओ भाई वेट वेट वेट, नेट जो थोड़ा सा मेरे पास में गिर गया था। ओके यहाँ पर इस तरीके से मुझे नेट फेंकने, ओ पुलिस वाले बाहर भी आ गए, चलो ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, तुम्हारा तो मामला मैं यूँ ठंडा कर दूंगा, निकलो यहाँ से। शिट ओके वाओ, वैसे मैं ना काफ़ी अच्छी जगह पे हूँ, इन्होंने अपने घर के अंदर बहुत ही अच्छी जगह बना रखी है, इसके अंदर अगर मैं घुस जाऊँ तो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। बाकी तो यार बहुत सारे पुलिस वालों को मैंने मार दिया है यार। पता है मैं चाहूँ ना यहाँ पर अभी रॉकेट लॉन्चर चला सकता हूँ, लेकिन यार अगर जो मैं गाड़ी चुराने आया हूँ उस गाड़ी को जरा सा भी डैमेज हो गया ना, तो यार कोई फायदा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान अलग हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर आगे और बंदे, हटो 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 हटो। ओके तो यहाँ पर भी मैंने अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन निकाल लिया, मतलब कि भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है, इसका मुकाबला है ही नहीं कहीं, बस यहाँ पर बंदों को छुआ नहीं होती। ओ इतनी सारी पुलिस कहाँ से आ रही है यार, अब बस ना मुझे क्या करना है, इस एरिया की जो पुलिस है, मतलब कि पुलिस तो यार आती रहेगी, खत्म नहीं होने वाली, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की पुलिस को मार के यहाँ से भाग जाऊँगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ओके तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम बंदों को मार चुका हूँ, अगर मैं गाड़ी लेके भागूंगा ये लोग मेरी गाड़ी को डैमेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ओ शिट किसी ने तो बहुत ही तगड़ा वेपन मारा, और गाड़ी में चोट तो आ गई भाई बहुत ज़्यादा। ओ शिट लग रहा है टायर गए। ओके तो मैं किस गेट से एग्जिट करूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इस बंदे ने गाड़ी जिस जगह पर खड़ी करी है ना कोई ढंग का एग्जिट भी नहीं है। ओ निकल जा यार। ओके तो फिलहाल यहाँ से अपनी गाड़ी जो है निकल गई, और ये लोग अगर ज़्यादा गोली मार देंगे ना तो भाई गाड़ी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँच जाएगा कि वो चलने लायक भी नहीं बचेगी। और गाड़ी तो यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग है जैसा कि लेस्टर ने बोला था, और जो गाड़ी का साउंड है यार वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो फटाफट हमें इस वाले रोड से यहाँ से अपनी कार को निकाल लेना है जल्दी से। ओके तो फिलहाल यहाँ से अपनी गाड़ी को जो मैंने जल्दी से एग्जिट तो करा लिया। अरे गेट खोलो भाई, गेट लॉक कर दिए, खुले 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 भाई साहब, गोलियाँ मार के तो गेट खुल रहे हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। ओके भाई पुलिस वालों को भी चकमा देना पड़ेगा, एक काम करता हूँ मैं, अगर डायरेक्ट ट्रक पे जाऊँगा ना तो पुलिस वाले मुझे देख लेंगे। भाई यार इस गाड़ी को चुराना सच्ची में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और यार आगे की तरफ में भी काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं, मुझे ना एक बार ही पुलिस वालों को चकमा दे दिया ना तो भाई सारा का सारा मामला आसान हो जाएगा। ओ शिट ये कहाँ फेंक दिया हमें, वेट 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 वेट, यहाँ से तो कोई एग्जिट है ही नहीं ढंग की। रुक जाओ मेरे पे एक मस्त आइडिया है, अब यही टाइम है कि फटाफट मैं अपनी गाड़ी को लेकर जाऊँ और जो मेरा ट्रक था ना उसके अंदर खड़े कर दूंगा, और फटाफट से उस ट्रक में बैठ के यहाँ से निकल लूँगा। तो यार पुलिस तो यार बहुत ज़्यादा ही पीछे पड़ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पुलिस वाले से कैसे पीछे छुड़ाऊँ। और ये जो कार है यार सच्ची में बहुत ज़्यादा तगड़ी है, आप स्पीड देख लो भाई, मतलब पिकअप और कंट्रोलिंग इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी है। अरे ऑफिसर जी क्या कर रहे हो, क्या नशे क्या नशे, एक मिनट चलो निकलो, मतलब कि इतना दिमाग मत खाओ मेरा। ओ भाई लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ को, मेरा ट्रक तो सामने, और इन्होंने भैया गाड़ी की ऐसी की तैसी कर दी गोलियाँ मार मार के। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं ट्रक के अंदर कर देता हूँ, उस ट्रक के अंदर बैठ के यहाँ से निकल लेता हूँ। चलो भाई गाड़ी तो जैसे जैसे ट्रक के अंदर करवा ली, और कोई आना मत, मैं पहली बता रहा हूँ जान से जाएगा वो अपनी। ओके तो यहाँ पर गाड़ी अंदर हो गया, फटाफट से इस गाड़ी को यहाँ से लेकर निकल लेते हैं। भाई सारा काम आसान था, लेकिन इस ट्रक को लेकर निकलने का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है भाई, ये लोग ट्रक की ऐसी की तैसी कर देंगे पूरे रास्ते में ही। लेकिन ये जो ट्रक है ना भाई ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये आगे भिड़ा गया मेरी गाड़ी में यार, मतलब मेरे को पुलिस वालों को तो मारना ही पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं इस ट्रक को एकदम शांति से एरिया में ले आकर खड़ा कर दूंगा ना एक बारी, तो पुलिस मेरे पीछे नहीं आने वाली मुझे ऐसा लगता है। ओके यार पुलिस वाले हटने का नाम ही ले रहे मेरे बगल से, अगर ये लोग इस तरीके से ही मेरे को टैकल करते रहेंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा ट्रक जो है पलट जाएगा। और सामने की तरफ से भी LSPD आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी,
मतलब कि यार मेरे को ट्रक नहीं लाना चाहिए था, मुझे अपनी गाड़ी लेकर सीधा यहाँ से भागना चाहिए था। बाकी तो मैं पुलिस को ना काफ़ी पीछे छोड़ चुका हूँ, लेकिन जो सामने से पुलिस आ रही है ना वो दिक्कत दे रही है। ओके, वैसे ट्रक ना बहुत ज़्यादा भारी है तो पुलिस भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही, तो मुझे थोड़ी देर तक और भगाना है, बाकी हमारा जो पुलिस वाला से पीछा है वो छूट जाएगा। तो ओके गाइस, फिलहाल अभी हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और सामने की तरफ में ना कुछ मेरे को बड़े बड़े इसी टाइप के ट्रक खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का है, और उसके अंदर से एक सुपर कार भी उतर रही है। ओके, तो यार चलो वहीं पर चलकर देखते हैं, और यहाँ पर मैं लेफ्ट ले लूँ एक बारी। ओके भाई भाई भाई, आराम से आराम से। तो यहाँ पर भाई साहब कितने तगड़े तगड़े कलर के इनके ट्रक, मेरा तो यार सिंपल सा ब्लैक कलर का है। ओके, तो ये रे सारे के सारे लोग, और यहाँ पर कितनी तगड़ी तगड़ी सुपर कार आ रखी है भाई, चलकर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यार मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है यार वहाँ पर चलकर देखने की कौन कौन सी सुपर कार्स आई हैं। अब फटाफट पहले अपने ट्रक को जो है मैं यहाँ पर पार्क कर दूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपने ट्रक को जो है यहाँ पर पार्क कर दिया है। तो अभी यार आगे की तरफ में चलकर देखते हैं। मैंने ना लेफ्ट वाले ट्रक्स में ना कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई देखी थी, तो देख कर आते हैं कौन कौन सी कार है। तो पहली बात तो इनकी जो ट्रक है ना यार बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कि आप देख पा रहे हो इनके कलर्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर इसके अंदर तो कोई गाड़ी है, और ये गलती से ना नीचे ठुक गई है, तो शायद से बंदा जा चुका है। और इसके अंदर फरारी खड़ी है, जो कि मेरे पास घर पर थी तो मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है वाली गाड़ी जो है आगे चलकर धोखा देने वाली है। लेकिन ये बंदा लेकर आया, देखते हैं रेस में इसकी क्या रैंक आती है। अब बाकी जो कार हमारे ट्रक के अंदर है अभी मैं बाहर निकालने नहीं वाला, क्योंकि आपको भी पता अपनी कार जो है बहुत ज़्यादा तगड़ी है, और ये लोग देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि जो कार मैं लेकर आया हूँ ना वो कार हर साल ये वाला इवेंट जीत कर जाती है। तो यहाँ पर वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी कार आ रखी है भाई साहब। तो ये वाली कार भी यार, ओ सॉरी 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 ब्रो सॉरी, तो ये वाली कार जो यार बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि तो देखने से ही मेरे को डर लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा फास्ट भागने वाली है। और यहाँ पर सामने एक ऑरेंज कलर की नॉर्मल सी खड़ी है, और ये वाली तो जेनेट्रॉन है। और ओ गाइस, पीछे की तरफ में एक बहुत ही अमेजिंग लैम्बोर्गिनी है भाई। ओ भाई साहब, ये वाली लैम्बोर्गिनी कितनी तगड़ी है भाई, काश यार ये लैम्बोर्गिनी मेरे को एक बार चलाने को मिल जाए। लेकिन यार जो भी कहो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, लैम्बोर्गिनी रेवेंटॉन है। अब यहाँ पर एक कार और खड़ी है, ये भी थोड़ी सी फरारी लुक की है, लेकिन ये अलग कार है, मैकलारेन टाइप है। ओके, तो ये भी जेनेट्रॉन है। ओह भाई, ये कहाँ से ले आया भाई, ये है नहीं चलने वाली। इसका सस्पेंशन, मतलब कि इसका ट्रांसमिशन देखो तुम, मतलब ये गाड़ी पूरी की पूरी जमीन से टच हो रखी है। और इस बंदे को शायद पता नहीं है कि रेस किस टाइप की होने वाली है। भाई हमें पतले पतले रोडों पे जाना है, चढ़ाइयों पे जाना है। ओ भाई, अपनी लैम्बोर्गिनी सियान, लेकिन ये थोड़ा सा ना अलग कलर है, तो मेरे को उतनी अच्छी लग रही, मेरे को अपने वाले कलर की अच्छी लगती है। तो भाई एक बंदा लैम्बोर्गिनी सियान भी लेकर आ रखा है, लेकिन भाई इस गाड़ी को ना चलाना आना चाहिए, हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आगे तरफ में एक गाड़ी और खड़ी है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ना रेस जो है स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अब इनकी गाड़ियों पे ज़्यादा नज़र नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी जो खुद की कार है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी फटाफट रेस को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ट्रक का जो ट्रंक है वो खोल लिया, फटाफट चलते हैं इसके अंदर, अपनी गाड़ी को जो है यहाँ से बाहर निकालते हैं। चलो यार सबसे पहले फटाफट अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। ओ भाई साहब, एकदम अलग ही लुक मार रही है। ओके, तो यहाँ पर गाड़ी के जो टायर एकदम मक्खन चलते हैं भाई हर जगह पर। अब सबसे पहले अपनी कार को ना वहाँ पर लेकर खड़ा करते हैं, और देखते हैं यार बंदों का रिएक्शन क्या होने वाला है। और वैसे भी रेस जो है ना जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो यार गाड़ी जो है अपनी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो अपनी गाड़ी को मैं फटाफट से यहाँ पार्क करता हूँ, ताकि इनको पता चले कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो आ चुके हैं, और अब जो है रेस स्टार्ट होने वाली है। तो यार यहाँ पर हमारी रेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो मेरे को अभी पता चली है, कि मतलब इस रेस के अंदर ना हमें नॉर्मल ट्रैक्स मिलने वाले हैं, मतलब कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जितने भी बंदे रोड पर है ना उन्हें हटाया जाएगा। तो भाई साहब जी कहाँ पर स्टार्ट कर दिया आपको? ओके, ओ भाई इतने गंदे रेसर्स आएंगे, मुझे नहीं पता था भाई, ये क्या सीन था, सीधा टक्कर मार दी उसकी गाड़ी में, कितना तगड़ा नाइट्रो डाला हुआ है भाई साहब, ये तो सीधा उड़ के जाने वाला है। और भाई रोड पे तो जाम लग गया, तो मैं यही चीज़ बताने जा रहा था कि इसमें ना नॉर्मल बंदे जो होते हैं ना वो भी रोड पे गाड़ी चलाएंगे, तो हमें उनके बीच से निकाल कर जाना है, मतलब कि ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रैक हमें नहीं मिलने वाला कि जिसके बीच में हमें रेस करनी है। ओ भाई बच गए भाई, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ओके, तो यहाँ पर तीन बंदे अपना मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे, तो फटाफट अभी मैंने एक काम करता हूँ, इनको भाई पीछे छोड़ता हूँ, ये लोग अपना फुल एकदम जाम में चल रहे हैं, तो मेरे को ना एकदम आराम से चलाना है, अगर मैं ज़्यादा जल्दबाजी करूँगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एकदम आराम से चलाएंगे, खाली रोड पर ज़्यादा रेस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रेस देने के चक्कर में ठुक गया ना तो भैया हमारी मौत ही घर जाने वाली है, तो मुझे मरना नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए। ओ भाई भाई भाई, एक्सीडेंट नहीं चाहिए, सब कुछ हो जाए लेकिन एक्सीडेंट ना हो, अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो हम सीधा रेस से बाहर हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड आ जाए थर्ड आ जाए, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर पुलिस वाले भी हमारे पीछे आने वाले हैं, मतलब पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। और अभी सबसे अच्छी बात पता है क्या, मैंने बंदों को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यार ये तो हाईवे थे, अब बाकी जो पतले रोड आने वाले हैं ना उसको मुझे नहीं पता उसके अंदर ये वाली जो गाड़ी है कैसी चलने वाली है। ओके, तो भाई यहाँ पर ही जो लेफ्ट में आप लैम्बोर्गिनी वाला बंदा देख पा रहे हो ना, काफ़ी टाइम मेरे को ना पीछे कर चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसे पीछे कर देता हूँ। तो मैं अगर सोच रहा हूँ कि इसको अगर हम रेस से ही बाहर कर दे तो अपने लिए बहुत काम आसान हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ इसे रेस से ही बाहर कर दिया जाए। एक सेकंड रुको। ओ भाई 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 भाई, इसको बाहर करने के चक्कर में खुद ना बाहर निकल जाऊँ, एक सेकंड रुक जाओ, तो यहाँ पर निकल, चल साइड हो,
फटाफट मैंने इसको साइड कर दिया, ओके। तो भाई वो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा है वैसे, तो यहाँ से पहले तो ना हमें लेफ्ट लेना है, और जो अब रोड आने वाले ना, इस रोड में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से चलानी पड़ेगी वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो मुझे कन्फर्म पता है सारे लोग उस रोड से आने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग रास्ता प्लान करूँगा। ओके, तो यहाँ पर वो लोग अपना काफ़ी पीछे रह गए, तो मैं सोच रहा हूँ जैसे ही बंदा आएगा ना उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दूँ। ओके, आ जा आ जा आ जा। ओ भाई भाग गए आगे। भाई ये जो मैकलैरन वाला बंदा है ये भी बहुत अच्छी चला रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, इसको मेरे को ना साइड ही करना पड़ेगा भाई। मतलब रोड पे जो ट्रैफिक आ रहा है ना वो बहुत गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ, इस बंदे को मेरे को साइड करना है। ओ शिट, मुझे यहाँ से राइट लेना था। एक मिनट वरना गड़बड़ हो जाएगी। भाई ये हेलीकॉप्टर वाले को देखो तुम, एकदम जमीन पर चला रहा है भाई। फटाफट यहाँ से निकलते हैं भाई जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर ना मैं एकदम आराम से चलाने वाला हूँ, चाहे मेरी पोजीशन कितनी भी पीछे हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर ठुके ना तो सीधा खाई में जाने वाले हैं। और भाई आप देख पा रहे हो कभी भी गाड़ी कहीं से भी आ जाती है, और ये जो पहाड़ वाला एरिया ना होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ओके, यहाँ से फिलहाल अभी मेरे को राइट लेना है, और आगे जाकर ना हमें दोबारा से हाईवे मिल जाएगा, और उसी हाईवे को पकड़ कर हमें उसी रास्ते पर वापस जाना है। ओके 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 भाई भाई, अभी तो गाड़ी अपनी नीचे ही चले जाती। तो यहाँ पर जो बंदे हैं ना मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि ज़्यादा पीछे नहीं है, एकदम पास में ही है। अगर मैंने हल्की सी गाड़ी में ब्रेक दी ना वो लोग मेरे को पीछे छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ से फिलहाल अभी हमें एक लेफ्ट लेना है। ओके भाई, क्या, ओ भाई बच गए। यहाँ से फिलहाल हमने लेफ्ट लेना है और आगे से राइट लेना है, पूरा फिर यू टर्न लेके हमें वापस उसी जगह पर जाना है। तो काफ़ी सारे रेसर तो पीछे रह चुके हैं। ओके, तो अभी मैं फिलहाल एकदम मस्त एकदम फर्स्ट पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ, फुल मजे में। मेरे को नहीं लगता कि कोई मुझे पीछे छोड़ने भी वाला है। तो यार जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, अगर मैं रॉन्ग वे जाऊँगा ना तो मुझे कम ट्रैफिक मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ओके, अभी मैं गाड़ी सोच रहा हूँ रॉन्ग वे चलाऊँ, मतलब रॉन्ग वे ना सामने से कम व्हीकल आ रहे हैं। ओके, अरे अरे अरे, आराम से भाई, एक मिनट। ओके, तो अब आ गई है गाड़ी भगाने की बारी। चलो यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है, अब फिलहाल सीधा चलते हैं। ओ भाई साहब, ये चीज़ों को तोड़ते जाओ आराम से, फुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे बनाओ भाई, मतलब ओ भाई बहुत ज़्यादा स्पीड है अभी अपनी। ओ भाई साहब, बच गए। तो ओके गाइस, फिलहाल अभी हम अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार जितने भी बंदे थे हमसे ना बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पर थोड़ी देर उनका वेट कर लेता हूँ, ताकि उनको भी ये ना लगे कि भैया अभी हम सच्ची में हार चुके हैं। तो ओके गाइस, इस बंदे को देखो कितने तेज चला रहा है भाई, मैं तो वेट कर रहा था और भाई साहब ये तो उड़ाता हुआ ले जा रहा है। एक सेकेंड रुक जाओ, निकल यहाँ से। अब यहाँ पर फिलहाल मैंने इस बंदे का ना पीछे वाला टायर तो पंचर कर दिया, मैं इधर वाला टायर भी इसका नहीं छोड़ने वाला। निकल बेटा, अब मुझे नहीं लगता कि ये बंदा जीतने वाला, लेकिन वो मेरे से पहले पहुंच गया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैंने अभी अपनी गाड़ी हल्की सी भी ठोकी तो मैं सच्ची बता रहा हूँ हार जाऊँगा। और यहाँ पर फिलहाल हम फाइनल पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम ही पहुंचे शायद से। ओके गाइस तो गाइस इसी के साथ हमने अपनी रेस को कंप्लीट कर दिया, और एंडिंग पीछे है क्या? एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ पर मेरे को दोबारा से गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी ला के। ओके, तो सारे रेसर्स आ रहे हैं इधर। ओके, तो सब रेसर्स के आने का वेट करना। आ जाओ आराम से आओ, गाड़ी ठोकना मत भाई कोई, सब लोग अपना गाड़ी लगा रहे हैं। चलो भाई, यहाँ पर भाई अभी हम पांच लोग तो पहुँच गए, और हमारे पीछे ना पुलिस भी पड़ गई है शायद से। तो भाई यहाँ पर इसकी गाड़ी देखो एकदम खत्म ही हो गई, और रेस जो एंड हो चुका है भाई। इतनी अकड़ किस बात की दिखा रहा है तू? अभी पिट के जाएगा यहाँ से भाई, ये देख रहे हो इनकी अकड़? अच्छा, निकल, चल मैं भी नहीं छोड़ूंगा भाई। हार गए तो इतनी अकड़ दिखा रहे हो, मेरी गाड़ी भी उसकी गाड़ी तो भाई सब नैनो बन चुकी है, इतनी बुरी तरह ठोकी है भाई बंदों ने उसकी गाड़ी, एकदम हालत एकदम खराब हो चुकी है। और यहाँ पर मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है। ओके, तो लग रहा है ना हर बंदे के पीछे पुलिस पड़ गई। अब यहाँ से ना अपने अपने घर निकल लो भाई, और कुछ नहीं किया जा सकता। और इस गाड़ी को मैं लेके जाऊँगा सीधा रिपेयर करवाने, मतलब गाड़ी की हालत खराब होगी। और जो हमें थोड़े से पैसे भी मिल गए हैं, मतलब कि अभी जो कैश है ना वो हैंड टू हैंड नहीं होगी, थोड़े टाइम बाद में होगी। और यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो यही टाइम है फटाफट घर पर निकलने का। चलो भाई जल्दी से निकल लेते हैं घर पर। तो गाइस अभी फिलहाल इस गाड़ी को लेकर हम पहुंचने वाले अपने घर पर, और यार सच्ची बता रहा हूं यार आज तो बहुत ज़्यादा मजा आ गया। और यहाँ पर अभी हम उसी बंदे के घर के बगल से निकल रहे हैं जिसकी गाड़ी है, तो मुझे ना फटाफट से भगानी पड़ेगी। ओके, तो यार सच्ची बता रहा हूँ भाई, जैसे अपनी लैम्बोर्गिनी चोरी हुई थी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था $2 मिलियन का, लेकिन यहाँ पर ये जो कार है ना ये उससे भी ज़्यादा महंगी लग रही है, क्योंकि इस कार का जो साउंड है, इसका जो इंजन है, इसकी जो कलरिंग है, मतलब यार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो यार मेरे को लगता है प्रॉफिट हो ही गया, और यहाँ पर जो हम रेस जीते हैं ना उसका भी पैसा भी हमें थोड़े दिन में मिल जाएगा, मतलब कि एकदम हैंड टू हैंड नहीं मिलता, एक दो दिन के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर $2 मिलियन उन्होंने बोला, देखते हैं भैया कितना पैसा हमें मिलने वाला, अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो कि गाइस फिलहाल अभी हम इस मैकलैरन को लेकर अपने घर पर तो पहुंच चुके हैं, मतलब कि यार इस गाड़ी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि मतलब इस गाड़ी का जो गेट निकला है, और थोड़ा बहुत ना इस कार को मॉडिफाई भी करवाना है, कलर भी चेंज करवाने हैं। तो मुझे कमेंट में ना ये जरूर बताना कि मुझे इस गाड़ी पर कौन सा कलर करवाना चाहिए। ओके, तो फिलहाल मैं अपना गैराज खोलता हूँ। ओ भाई साहब, गैराज तो ऑलरेडी भरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी टायर्स और फरारी खड़ी है। तो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देता हूँ। अब जब हम इसे रिपेयर करवा कर ले आएंगे तो इसको अंदर पार्क करेंगे, और इस गाड़ी को ना छुपा कर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि
जिस बंदे की हमने चुराई है ना वो ढूंढने जरूर आएगा। और हाँ यार, मुझे कमेंट में ना ये जरूर बताना कि मुझे इस गाड़ी पे ना कौन सा कलर करवाना चाहिए। तो मैं तो सोच रहा हूँ यार लाइम ग्रीन या फिर लाइट ब्लू करवा दे, मतलब स्काई ब्लू टाइप जो होता है वो बहुत तगड़ा लगता है। तो कमेंट में जाकर जरूर बताना। और हाँ यार, अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ठोक देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1 लाख लाइक के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। और हाँ यार, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है सभी लोग जाके दबा दो। और जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा जल्दी जाके फॉलो कर लो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।